हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको सूत्र नीति के सबसे अलग और आसान तरीके के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको आप बिना पानी की मदद लिए कहीं पर भी कर सकते हैं। पर ध्यान रखेगा, आपकी सूत्र नीति पहले से ही क्लीन यानी स्वच्छ होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप वाकई में सूत्र नीति के बारे में जानना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और जो चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं नई वीडियो डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, सूत्र नीति सूत के धागों से बनी होती है, जिसको आप अपने घर पर भी बना सकते हैं, पर हम इस बारे में वीडियो के लास्ट में चर्चा कर लेते हैं। अभी हम जान लेते हैं उसकी टेक्निक। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के साइड में वीडियो देख रहे हैं, आज मैं आपको इसी विधि के बारे में बताने वाला हूँ। यदि कोई बिगनर है या किसी को पानी से एलर्जी होती है, उसके लिए यह टेक्निक बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, अच्छे से देखिएगा, तभी आप पूरी टेक्निक को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें चाहिए होगी सूखी स्वच्छ यानी क्लीन सूत्र नीति, जिसको आप पहले धोकर सुखा भी सकते हैं, क्योंकि हमारी नासिका में इन्फेक्शन फैलने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, अपनी सूत्र नीति को अच्छे से धोकर सुखा लेंगे। अब हम आते हैं इसकी टेक्निक पर। दोस्तों, आपको सूत्र नीति का जो आगे वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको छोड़ देना है, जिस पर मोम लगा होता है, और जो पीछे वाला पार्ट होता है जिस पर मोम नहीं लगा होता है, उसको अच्छी तरीके से अपने सलाइवा यानी लार में भिगो लेना है, अच्छी तरीके से। जब तक वो भीग ना जाए तब तक आप उसके ऊपर सलाइवा लगाते जाएंगे, क्योंकि यही पार्ट हमारा इम्पोर्टेंट है, यही हमें बिना पानी के सूत्र नीति कराने वाला है। तो अच्छी तरीके से उस पर सलाइवा को लगा लेंगे। अब हमें सूत्र नीति के ऊपर वाले पार्ट को, जिस पर मोम लगा होता है, उसे ले लेना है और अपनी नासिका में प्रवेश कराना है। आप एक बार ये चेक कर लीजिएगा आपकी नासिका कौन सी चल रही है, ऐसा एक्सहेल करके आपको पता लग जाएगा कि राइट चल रही है लेफ्ट चल रही है, ठीक है। जो उनसी नासिका आपकी एक्टिव होगी उसी में अपनी सूत्र नीति को प्रवेश कराना है, और धीरे धीरे घुमाते हुए, ठीक है, धीरे धीरे घुमाते हुए नासिकाओं को अंदर प्रवेश कराना है, जब तक वो गले तक ना पहुंच जाए, उसको अंदर घुमाते हुए अंदर धकेलते जाना है धीरे धीरे। गले तक पहुँच जाने के बाद फिर सूत्र नीति को बाहर निकालने के लिए अपनी दो फिंगर को, ठीक है, दो फर्स्ट फिंगर, जो पहले दो उंगले होते हैं, उनको अपने गले में प्रवेश कराना है, जैसे कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं। फिर अपनी सूत्र नीति को ऐसे पकड़ लेना है, पकड़ने के बाद फिर ऐसे धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। आपको ध्यान रखना है, एकदम से नहीं खींचना है, आपके वहाँ पर ऊपर की तरफ मसल में स्क्रैच आ जाएगा, तो इसलिए धीरे धीरे निकालेंगे। और जब मुंह वाला हिस्सा बाहर आ जाए, फिर सूत्र नीति को अच्छे से पकड़ लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं। फिर धीरे से उसको 5 से 10 बार ऐसे चलाना है। चलाने के बाद फिर धीरे से अपनी नासिका से सूत्र नीति को बाहर निकाल लेना है। फिर हमें दूसरी नासिका से भी इसको ऐसे ही कर लेना है, और उसके बाद अपने सूत्र नीति को अच्छे से धोकर रख देंगे। और ध्यान रखें, नासिका बहुत ही कोमल व नाजुक अंग है, सूत्र नीति को धीरे धीरे घुमाते हुए नासिका में प्रवेश कराना है। यदि अंदर नहीं जा रही है तो उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, अपने नज़दीकी योग साधक की सलाह से या उसकी देख रेख में सूत्र नीति को आप लोगों को करना चाहिए। और यदि किसी को नासिका से खून आने की पुरानी बीमारी है, तो वो इस अभ्यास को विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही करें, यानी डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही करें। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इसके कुछ बेनिफिट, फिर उसके बाद मैं आपको सूत्र नीति की घर पर बनाने की विधि बताऊंगा। चलिए हम चलते हैं इसकी बेनिफिट की तरफ। दोस्तों, सूत्र नीति करने से नासिका में जो हमारे अंदर सलेस्मा झिल्ली होती है, उसकी मसाज होने की वजह से हमारे नासिका में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, और जो नासिका में अंदर सूजन आ जाती है, सोजिश होती है, वो दूर होती है। और जो बड़ी हुई हड्डी होती है, उसकी वजह से हमारे राइनाइटिस या साइनस जैसी प्रॉब्लम आती है, उनको यह दूर करती है, उनमें यह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और उनको यह बहुत जल्दी कवर कर सकती है। इसलिए सूत्र नीति को साइनस में करने के लिए बताया गया है, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस दी गई है इसको साइनस वाले डिजीज में। और इसी के साथ साथ हमें संधि यानी कंधे से ऊपर के, संधि बोलते हैं इसको, कंधे से ऊपर के सभी रोग दूर हो जाते हैं, जैसे कि हमारी आई शेड वीक होना, कलर विजन का खराब होना, आँखों से पानी आना, कम सुनाई देने लगना, ऐसी जो डिजीज होती है वो सभी दूर हो जाती है, क्योंकि जो हमारी सलेस्मा झिल्ली होती है वहाँ पर हमारे आइज की और जो हमारे ईयर्स होते हैं उनकी नसें होती है, उनकी नाड़ियाँ होती है, वहाँ पर मतलब जुड़ी रहती है, उनकी मसाज होने की वजह से वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से हेल्थी होती है, जिसकी वजह से हमारी आई साइड और ये सब चीज़ रिकवर होने लगती है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी विधि के, जो मैं आपको बता रहा था इसको बनाना कैसे है, अब हम सीख लेते हैं। यदि आप यहाँ तक पहुँच ही गई है तो एक लाइक ज़रूर बनता है। तो चलिए, सबसे पहले आपको चाहिए होंगे सूत के धागे, जो घर में रुई होती है, रुई के जो धागे होते हैं उन्हें सूत के धागे बोलते हैं। 9 इंच लंबे हम सूत के धागे ले लेंगे, और उसके आधे से थोड़ा कम यानी 4 से 5 इंच के बीच में उसको आगे से हम लपेट लेंगे, अच्छे से लपेट लेंगे। और उसके बाद हमें मोम चाहिए होगा, मोम को एक कटोरी में ले लेना है, उसको अच्छी तरीके से गर्म करके रख लेंगे, और जो हमारा सूत्र नीति आगे वाला लिपटा हुआ हिस्सा है उसको
मोम में डालना है। डालने के बाद अच्छी तरीके से उसको भिगो लेंगे, भिगोने के बाद उसको सूखने के लिए रख देंगे। सूखने के तुरंत बाद आपकी सूतनेति तैयार हो जाएगी। और जब आप उसको यूज कीजिएगा तो एक बार अच्छे से बॉईल कर लीजिएगा, बॉईल करके सुखा के तभी यूज कीजिएगा। कोई भी सूतनेति होती है मार्केट की या खुद बनाई हुई, उसको बॉईल करके ही हम यूज करते हैं। तो दोस्तों ये थी सूतनेति बनाने की टेक्निक, आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको सूतनेति की टेक्निक अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।